महफिल निसा गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन का कामयाब इनेकाद। महफिल निसा बैंगलोर शाह गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम 24 मार्च बरोज इतवार ह्यूमन एज गुलशन अतफाल स्कूल GDA लेआउट संगे तराश वाड़ी गुलबर्गा में आलमी यौम ख़वातीन का इनेकाद अमल में आया। डॉक्टर शमीम सुरैया सदर महफिल निसा शाह गुलबर्गा ने सदारत की। डॉक्टर बीबी रजा खातून असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। डॉक्टर परमीला अम्बिकर डेन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर जेबा परवीन प्रिंसिपल बीबी रजा डिग्री कॉलेज गुलबर्गा, असरा कौसर नीमहंस ट्रेंड काउंसिलर, डॉक्टर तनवीर फातिमा प्रोफेसर अलबदर डेंटल कॉलेज गुलबर्गा, निखत फातिमा सदर मौलिमा ह्यूमन एज उर्दू हाई स्कूल गुलबर्गा ने मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत की। मंगलावी कपड़े हिंदी शायरा श्यामला कुलकर्णी हिंदी शायरा नूर फातिमा उर्दू शायरा ने आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से कलाम सुनाया। डॉक्टर सबीहा सुल्ताना नायब सदर महफिल निसा शाह गुलबर्गा और डॉक्टर कौसर परवीन सेक्रेटरी महफिल निसा शाह गुलबर्गा ने प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद में अहम रोल अदा किया। अराकीन महफिल निसा शाह गुलबर्गा और मुख्तलिफ शोबे पाए हयात में सरगरम मौजिज खवातीन और तालिबात की कसीर तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम के जरिए माशरे की तामीर व तरक्की में खवातीन के रोल को उजागर करने और मुख्तलिफ शोबे पाए हयात को कामयाब खवातीन की नुमाया खिदमात को खराज तहसीन पेश करने की कामयाब कोशिश की गई। ATV न्यूज के लिए आयतुल्ला सरमस की रिपोर्ट। महफिल निसा शाह गुलबर्गा की जानिब से आज यौम ख़वातीन का इनेकाद अमल में आया था। हमने आज तमाम लोगों को मदु किया था जो शोबा हयात से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, शायर भी थे, अदीब भी थे, प्रोफेसर भी थे, सारे लोग मदु थे। और हमने ये हमारंगी भी रखा था जिसमें कुछ गेम्स भी थे, और इसके अलावा हर एक को मौजूद भी दिए गए थे। शोरा ने अपने कलाम भी सुनाया। दूसरे मानों में आज हमने बहुत अच्छी तरह से इसको ये कोशिश की कि दिलचस्प बने और एक यादगार बने। आज हमारा ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा, जिसके लिए जिन लोगों ने इसमें शिरकत की थी उनके शुक्रगुजार हों, खुसूसन परमला मैडम की, मंगला मैडम की। और एक चीज़ इसमें हमारी अहम रही, गुलबर्गा की दुख्तर डॉक्टर बीबी रजा खातून को उनकी तस्नीफ पाकिस्तान से भी शाया होने पर हमने उन्हें तहनीत पेश की, और मुझे खुशी है कि वो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाई थी। आज महफिल निसा के ज़ेर एहतमाम यौम आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया, और इसमें बहुत सारी ख़वातीन ने इज़हार ख़याल किया और बहुत अच्छी तजावीज़ भी आई, और ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनसे भी बहस की गई, और इस बात की कोशिश की गई है कि हर हिंदुस्तानी ख़ातून को कोई मैसेज मिले, कोई पैगाम मिले। तो हमने आज अपने इस जलसे के ज़रिए ख़वातीन तक ये पैगाम देने की कोशिश की कि उनका मुस्तक़बिल की नस्लों को सही तरबियत देने के लिए और उनमें अच्छी वैल्यूज़ पैदा करने के लिए उनका क्या रोल होना चाहिए, बहैसियत एक माँ के, बहैसियत एक बहन के, बहैसियत ख़ानदान की एक अहम फ़र्द होने के, वो किस तरह से अपना रोल बखूबी निभा सकती हैं। ये मैसेज हमने आज हमारे इस तंजीम के ज़रिए गुलबर्गा में मौजूद ख़वातीन को दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन बहुत अच्छा रहा, और यहाँ पर मौजूद ख़वातीन के लिए कुछ गेम्स भी रखे गए थे, वो गेम्स में भी उनको बहुत दिलचस्पी आई और इनामात दिए गए। और उसका एक अहम इनाम ये भी था कि आज की ख़ातून कौन है, वुमेन ऑफ द डे का एक अवार्ड भी हमने दिया है।